हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। तो देखिए, इसके पहले हम लोग पेपर वन का हम लोग डिस्कशन किए थे, जीएस पेपर वन, जनरल स्टडीज पेपर वन। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो जनरल स्टडीज पेपर टू। पेपर टू में तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन है वो है हमारा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स होता है, और तीसरा है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट सेक्शन में देखा जाए तो क्वेश्चन जो होता है चार क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको तीन क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सेकंड सेक्शन में टोटल चार क्वेश्चन होता है, आपको तीन क्वेश्चन का जवाब देना है। और जो थर्ड सेक्शन है उसमें टोटल चार क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको दो क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब तीन तीन छः दो आठ, टोटल आपको आठ क्वेश्चन को देना है। आठों का जो वैल्यू है इक्वल मार्क्स है, मतलब इक्वल जो है वैल्यू दिया गया है। तो इस तरह से कहा जाए तो इस तरह से हम लोग इसका फ्रेगमेंटेशन देख लिए। अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मियर पायस डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। मतलब ये जो है सिर्फ घोषणा नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए एक निर्देश है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। इसके लिए आर्टिकल 36-51 है, 36-51 है इसके लिए आर्टिकल। सारा आर्टिकल इसी के अंदर में आ जाता है। इसमें देखा जाए तो ये इन्फोर्सेबल कोर्ट्स में नहीं है, मतलब अगर आपका चाहे इसको अगर नहीं फॉलो किया जाता है तो आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। यानी जिसे फंडामेंटल राइट होता है उसके जैसा ये नहीं है। तो अब कोई स्टेट हो सकता है लागू नहीं करे, लागू करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इन्फोर्सेबल है नहीं। तो इसी कारण बोला गया कि क्या सिर्फ ये निर्देश है या फिर इसको रियल में कोई इस्तेमाल भी होता है। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पर लिखा है बट क्लियर डायरेक्शन फॉर गाइडेंस और कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस, और बताना है कि किस प्रकार इसको हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप बिहार के रिस्पेक्ट में, आप इसमें जहला कि बिहार नहीं लिखा है पर्टिकुलरली, लेकिन आप बिहार के रिस्पेक्ट में, बिहार में बहुत सारी घटनाएं हुए हैं। बिहार में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है लिक्वर बैन का, शराबबंदी। हाँ, नीतीश जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये कितना आर्टिकल 47 शायद है? ये आर्टिकल जो है 47 के तहत जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसे 47 में दिया गया है। साथ ही साथ अगर केंद्र के स्तर पर यानी पूरे भारत के स्तर पर देखें तो ग्राम पंचायत की अवधारणा जो है आर्टिकल 40 के तहत, गांधीयन थॉट के तहत जो है सो ग्राम पंचायत की अवधारणा को विकसित की गई, ग्राम पंचायत के निर्माण की बात करी गई। उसके वजह से फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत ही आता है। इसके अलावा अभी हाल ही में मातृत्व हित लाभ अधिनियम में जो संशोधन किया गया वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के निर्देश में ऑलरेडी दिया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो रिसेंट गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेस पे जो चेंजेस किए हैं या उसको इन्फोर्स किया है, जैसे मातृत्व लाभ के बारे में अभी हमने जिक्र किया, फिर इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, समान जो पारिश्रमिक अधिनियम है, समान काम के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत आता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 आर्टिकल 44, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया है। जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, तो ट्रिपल तलाक जो है DPSP के तहत ही लाया गया था इसको। तो ऐसे हमारे पास ढेरों एग्जांपल इसमें इस क्वेश्चन के तहत मिल जाएंगे जो कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। हाँ, इसमें मतलब आप अगर लिखेंगे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह का नाम गिना देंगे जो कि लगता है कि नहीं इसको अप्लाई भी किया जाता है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं है बल्कि अप्लाई करना, तो कैसे है इसी चीज़ को बताना है। तो जैसे कि अमित शाह ने आप लोग को पूरा क्लियर कट बताया कि बस उसके लिए जो है मार्गदर्शन, सुस्पष्ट निर्देश है, इसको बताना है आपको कि व्याख्या क्या ना सीधे, और समझाइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू है। तो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अपना दिमाग से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि डाटा तो आपके पास है DPSP। हाँ। लेकिन DPSP में सारे को DPSP का आर्टिकल्स खाली लिख देने से नहीं होगा। हाँ। उसमें आर्टिकल्स को देखना होगा कि कौन आर्टिकल को अभी तत्काल में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण करें, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? इंग्लिश में बोल देता हूँ, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, इज इट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। तो देखिए, यहाँ पे मेरा मानना है कि पहली बात है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो डिस्प्यूटेड होता है, ऐसे क्वेश्चन को उठाना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि कॉपी चेक करने वाला पता नहीं किस माइंड सेट का है, विचारधारा अलग हो सकती है, तो थोड़ा रिस्की होता है। तो ऐसे को आप अगर आप रिस्क लेना चाहते तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बोल रहा है हिंदुत्व, हिंदुत्व होता क्या? हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, हिंदू एक रिलीजन है, धर्म है, इसके विचार को फॉलोवर्स जो हैं वो हिंदू हैं, और जो इसके आइडियोलॉजी है जिसको जो या कहा जाए विचार है वो है हिंदुत्व।
हिंदुत्व का अगर विकिपीडिया या फिर बहुत जगह डिफिनेशन देखोगे उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुत्व हो गया मतलब कि कोई ऐसा राष्ट्र की कल्पना किया जा रहा है जिसमें कि एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, रिलीजन पर्टिकुलर मतलब हिंदू, यानी एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और इस तरह का जो माइंडसेट है, इस तरह का जो आइडियोलॉजी है, इसी को कहते हैं हिंदुत्व। ये आपको कई जगह इस रूप में आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। तो हिंदुत्व है क्या, सबसे पहले हम लोग समझेंगे आइडियोलॉजी है, कैसे आइडियोलॉजी है इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको पूरा अच्छा से। अब यहाँ पर दूसरा टर्म क्या आता है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद। हाँ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि आपको सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना है, मतलब किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं हो, ये राष्ट्र किसी एक धर्म का नहीं है, सभी धर्म का यहाँ पर रिस्पेक्ट करना है। तो स्वाभाविक है एक तरफ बोला जा रहा है हिंदुत्ववाद, मतलब हिंदू राष्ट्र की बात किया जा रहा है, दूसरी तरफ किया जा रहा है सेकुलरिज्म। तो ये दोनों के बारे में यही लिखा हुआ है कि क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है, तो आपको इसी पर आपको व्याख्या करना है कि क्या सेकुलर से हिंदुइज्म में किस प्रकार डिफरेंट है। इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक्सट्रीम थिंकर हो, अति सोचने वाले, अति विचार करने वाले, एक्सट्रीम थिंकिंग का अर्थ होता है कि हिंदुत्व की बात आई, अगर आप एक्सट्रीम सोच है कि नहीं हिंदुत्व काफ़ी अच्छा है, हिंदुत्व काफ़ी बुरा है, हिंदुत्व जो है सो सेकुलरिज्म के विरुद्ध में है या उसके फेवर में है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा स्टेप रुकें और अपने आप को मॉडरेट विचारधारा मिलाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट बताएं, हिंदुत्व क्या है, और फिर कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि आप किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो और वो सभी धर्म को रिस्पेक्ट करते, सभी धर्म को रिस्पेक्ट करते हो। और यहाँ पे जब हिंदुत्व की बात आ जाती है, एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म की बात आ जाती है, तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी थोड़ा बात होता है। एक और आपको ध्यान होगा, बीपीएससी में पहले क्वेश्चन पूछा था, भारतीय जनता पार्टी क्या ये हिंदू व हिंदू पार्टी है, इस तरह से एक, हाँ, इसको व्याख्या करने के लिए बोला गया था। तो बिल्कुल ये लग रहा है कुछ उसी तरह का फॉलो किया गया, क्योंकि बीच में भी थोड़ा बहुत इशू चला था हिंदुत्व सेकुलरिज्म में, तो ये सारे कुछ इशू चला था, शायद यही सब सोच के वो स्टूडेंट को माइंडसेट को चेक करना चाह रहा हो। ये पूरी तरह से टिपिकल और टेक्निकल क्वेश्चन है, आप अपने आप को अगर संभाल के रख लिए तो ये क्वेश्चन अगर आपने टच कर दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स उठा, बहुत अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। लेकिन रिस्क भी है, सेकंड सब बिल्कुल रिस्क भी है। आप एक्सट्रीम थिंकर हैं तो ये क्वेश्चन में अगर हिंदुत्व के पक्ष में लिख लिया आपने, बिल्कुल एकदम से कहते हैं कि जो एक्सट्रीम विचारधारा आपने इसमें संप्रेषित कर दी, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल, जैसा कि अमित शाह ने बोला कि इसको आपको मॉडरेट थोड़ा सा आपका थिंकिंग रखना होगा। तो आप सेकुलरिज्म क्या, हमारे डिफिनीशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ सेकुलर का डिफिनीशन है, हमारा प्रीएम्बल बताता है सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर के पक्ष में ज़्यादा तो झुकाव रखना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हिंदुत्व तो जाना है, तो हिंदुत्व को वर्ड को डिफाइन करते हुए उसका मीनिंग को समझाना है और सेकुलर से कैसे अलग है इस प्रकार करना है। मॉडरेट जवाब इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि हिंदुत्व हालांकि एक धर्म है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि बहुत सारे जाति के, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसमें हिंदू भी एक है। लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि कभी भी किसी जातियों के बीच, किसी धर्म के बीच एक्सट्रीम तकरार होती है, तो सारे लोग ऑलमोस्ट मिलजुल कर ही रहते हैं। तो इस तरह का कुछ जो है ना, सो आपको कहते हैं ना कि एक बैलेंस्ड आंसर इसमें देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट, यानी भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसका मतलब समझाइए। तो सबसे पहला जो आ जाता है मेजर प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप को मतलब पहले तो आपको समझना होगा प्रेशर ग्रुप है क्या। प्रेशर ग्रुप मतलब दबाव समूह, मतलब एक ऐसा समूह है जो सरकार पे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है सरकार के बारे में, तो किसी सरकार पे ऐसे ग्रुप, मैंने ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स इकट्ठा होते हैं और सरकार पे किसी वजह से प्रेशर बनाते हैं कि आप मेरी बात को सुनिए, तो यही प्रेशर ग्रुप हो गया जी। क्या ये प्रेशर ग्रुप हो, जैसे अब कह लें कि अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, तो वो भी एक प्रेशर ग्रुप का ही उदाहरण है। बहुत सारे एनजीओ संस्थाएं हैं, वो सरकार पे प्रेशर डालती है, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डालती है, तो इन सारों को लेके आपको जो है सो उसकी भारत की राजनीति में क्या क्या भूमिका है, इसमें अगर फैक्ट्स आपको अधिक पता हैं तो इसको टच करें, और अगर फैक्ट ज़्यादा नहीं पता है, कुछ एक पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप के नाम पता है, तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में परहेज कर सकते हैं। तो इसको पूरे फैक्ट के साथ आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन पे देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि प्रेशर ग्रुप में हो गया कि जैसे कि विपक्षी पार्टी जो अलग अलग ग्रुप्स बना के आते हैं, कुछ एनजीओ जाते हैं इसमें, एनजीओ का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होता है, या फिर अगर देखते हो कि मेगा पार्टिकल वगैरह, चाहे ऐसे ऐसे कुछ कुछ जो
एनजीओ में बचा कोई एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो कि पब्लिक के फेवर में, अगर पब्लिक का जो अधिकार है उसका हनन होता है तो उसको लेकर एक आंदोलन टाइप से छेड़ते हैं और सरकार पर प्रेशर बनाते हैं कि उसके लेकर कुछ डिसीजन चेंज किया जाए, डिसीजन कुछ निर्णय लेने में मदद किया जाए। नेहरू विहार में भी जैसे कुछ दिनों से घटना जो घट रही थी तो उसको लेकर भी लग रहा है तो क्या नेहरू विहार के स्टूडेंट जो है किसी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट पर कि इसके लिए कोई एक कानून बनाया जाए। तो प्रेशर ग्रुप बिल्कुल इसी तरह का, इसका कोई डिफिनीशन प्रॉपर नहीं है, बल्कि इसी प्रेशर ग्रुप इसी तरह के डिफिनीशन को आप एग्जाम्पल के साथ जाते हैं तो अच्छा लिख सकते हैं, मेरा मानना है। अब अगला चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियां तथा वास्तविक स्थिति का, यानी डिस्कस द पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। बिहार के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की शक्तियों का बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए इसमें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि गवर्नर का रोल हमको पहले समझना है, गवर्नर का काम क्या होता है। गवर्नर को काम करने के लिए आपको गवर्नर स्पेशल जो है आपको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा सबको मिल जाएगा, कोई भी पर्टिकुलर बुक पढ़ेंगे आपको अच्छा से मिल जाएगा गवर्नर। और ये जो है बीपीएससी का एक कहा जाए तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, गवर्नर प्रेसिडेंट या फिर हमारा बिहार विधानमंडल का हो गया चीफ मिनिस्टर, तो ये तीन चार जो क्वेश्चन है ना ये ट्रेडिशनल है, आपको ये तीन चार में आपको एकदम मास्टरी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट कर जाएगा। इस बार गवर्नर पूछा है तो मे भी प्रेसिडेंट नेक्स्ट टाइम पूछ दे, बिल्कुल, या फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछ दे, तो इसी तरह से क्वेश्चन रोटेट करता है। तो पहले तो आपको समझना है गवर्नर है क्या, अब उसके गवर्नर का कार्य क्या होता है। कार्य वही जो प्रेसिडेंट का जो सेंट्रल लेवल पर होता है, गवर्नर का स्टेट लेवल पर होता है, कुछ कुछ अगर छोड़ दिया जाए तो हाँ। तो अब यहाँ पर बोला है कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या इसका रोल है, तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना ये आपको इस्तेमाल करना है और आपको देखना है कि ये गवर्नर बिहार में कहाँ कहाँ रोल अदा किया है। पहली बात है कि रोल अगर गवर्नमेंट गवर्नर के पावर को समझते हैं क्या क्या काम करता है तो उस काम को जोड़िए, देखिए कि बिहार में उस तरह के कहाँ कहाँ काम हुआ है। प्रेसिडेंट रोल में गवर्नर का अहम भूमिका होता है। तो बुट्टा सिंह आपको याद होगा, बुट्टा सिंह बहुत दिन तक रहे थे वो गवर्नर के रूप में राज्यपाल और उसमें प्रेसिडेंट रोल था तो पूरा सत्ता उनके हाथ में दिया गया था। उसी तरह से ऑर्डिनांस लाया गया, अध्यादेश लाया गया है गवर्नर के द्वारा जो कि बिहार के कानून में बहुत सारा बदलाव लाया गया है। जब यहाँ पे क्लियर मैंडेट नहीं आता तो गवर्नर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब किसी पार्टी का पर्टिकुलर पार्टी का अगर चाहे तो अपना डिस्क्रिशनरी पावर करके किसी को भी बुला सकता है गवर्नर, तो ये सारे रोल जो है गवर्नर का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार के पॉलिटिक्स में भी। तो ये आपको चार पाँच एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देना है तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन वन कम्प्लीट हो गया। हाँ, इसमें जो सर ने जैसा बताया कि राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर और साथ ही साथ जो विधानसभा और विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर है, हाँ, इससे एक सवाल जो है सो रहता अच्छा है, रहता है हाँ। सेम वे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस बार पूछा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि एक सवाल रहते ही रहते हैं इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन अप्लाइड कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये 60 से 62 भी क्वेश्चन पूछा था DPSP, उसके पहले पूछा था फंडामेंटल राइट, उसको आर्टिकल 21 से रिलेट किया था, बिल्कुल 21A था शायद ना, 21A, हाँ 21A से रिलेट किया था। तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट तो ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 21A पे जोर दिया था, तो आपको अगर उसको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका अधूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो एक एक सेक्शन को आपको थोड़ा समझना होगा तभी जाके आप कर सकते हैं। अब सेक्शन टू में आते हैं, जो सेक्शन टू है हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी दोनों, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो उसमें जो पहला सवाल है वो पहला सवाल मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लंबा सवाल, हाँ काफ़ी लंबा सवाल है, इसीलिए हम लोग अपने पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि क्वेश्चन आप थोड़ा टाइम दे के एक मिनट आधे मिनट डेढ़ मिनट आप टाइम दें, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में लाइनिंग करें कितना पोर्शन है और क्वेश्चन को सामने रख के आप आंसर रखें। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को आप जो है ना कॉपी के सामने रखें और उसको पहला देखिए कि क्या पहला जो लाइन था उसको आंसर दे दिया आप, हाँ। पहला आंसर तब देखिए कि अब सेकंड लाइन में क्या था उसका आंसर दे दिए, हाँ। तो इससे आपको लगेगा कि आप जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ। अब देखिए इसमें गवर्नर है, पता चला है गवर्नर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और सब कुछ लिख दिए, हाँ। लेकिन लास्ट में पूछ रहा है रोल ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स, बिल्कुल। तो अगर ये नहीं लिखते तो क्वेश्चन में आप कितना भी लिख दे क्वेश्चन अधूरा है, आप 10 पेज लिख दे 5 पेज लिख दे अधूरा है क्वेश्चन, बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बोला, सर ने बोला कि आपको जो है इसको समझना होगा लाइन बाई लाइन, लंबे क्वेश्चन देते ही हैं इंसान को भटकाने के लिए, हाँ। क्वेश्चन लंबा ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो जाता है, क्वेश्चन लंबा रहता है, विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं, लिखते लिखते वो किसी भी डायरेक्शन में बह जाते, बिल्कुल, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर अगर आपके सामने रहेगा आप बार बार क्वेश्चन को देखें और आप हमेशा खुद को एनालाइज करते रहें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ,
नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स इन इज द मेन इशू ऑफ ए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन इंडिया. डिस्कस द स्टेटमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग and also explain the trends and implication of sector wise employment generation in the country after 2000. ek baar main hindi mein bhi aapko bata dun. isme jo question ke kehne ka jo mool tatthya hai ki rozgar ki baat kahi ja rahi hai. dirghkaliin rozgar niti mein mukhya mudda rozgar pradan karna nahi varan shram shakti ki rozgar kshamta ko badhana hai. aur ye jo rozgar kshamta hai iska shiksha aur skill ke maddenazar उसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देने के लिए कह रहा है. मतलब रोजगार और जो रोजगार परक है ना, रोजगार क्षमता, रोजगार क्षमता यानी इम्प्लायबिलिटी जिसको कहा जाए. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब इम्प्लाय है तो उसको इम्प्लायबिलिटी के यानी उसको बनाए रखने के लिए क्या होगा? हाँ. स्किल डेवलपमेंट करना होगा. तो इसमें कह सकते हैं रोजगार, रोजगार तो हो गया. आप अगर आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है तो आप रोजगार ले सकते हो. लेकिन रोजगार में टिके रहने के लिए आपको चाहिए रोजगार परखता. रोजगार परखता इन द सेंस की स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी. और एम्प्लॉयबिलिटी कैसे आएगी? एम्प्लॉयबिलिटी तभी आएगी जब आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन हो और एक प्रॉपर स्किल हो. मतलब क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है. आप अगर तरीके से सोचें तो एकदम एक दूसरे से लिंक्ड है. अब इस स्टेटमेंट को जो है सो आपको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और एक जो कह सकते हैं कि एक स्किल है वो कैसे आपकी रोजगार प्रक्रिया में जो रोल अदा करेगी. हाँ, रोल अदा करेगी. तो इस तरह से कर सकते हैं. और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियां ट्रेंड के बारे में कह रहा है. क्षेत्रवार मतलब आपको सेक्टर वाइज आपको इसको डिफाइन करके करना है 2000 के बाद. हाँ, 2000 जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, सर्विस सेक्टर में हो गया, जितने भी क्षेत्र में हो गया तो किस प्रकार का रोजगार प्रक्रिया उसमें डेवलप किया गया, चाहे उसमें किस प्रकार के क्षेत्रवार रोजगार सृजन, रोजगार नया क्रिएट करने की बात किया जा रहा है तो किस तरह से होगा, तो उसको रिलेटेड कुछ इसमें डाटा डालना होगा 2000 से लेकर अभी तक के बीच में. बस आपको डाटा लास्ट पैराग्राफ है. हाँ. अगर डाटा डालते हैं तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट रहता है. ऊपर का जो लंबा सा जो लाइन है वो आपको एक समझाने की कोशिश करना है कि जो स्किल्ड और क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में रोल अदा करता है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है. और लास्ट में जो है आपको डाटा दे देना है. क्या बिल्कुल 2000 के बाद की बात है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे ध्यान रखना होगा. जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय का आपको देखना है अचीवमेंट. तो बीच में अभी जो है 2014 से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो दोनों का आपको बैलेंस करते हुए देखना है और देखना है कि नहीं कुछ हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा है. हाँ. अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको एक पॉजिटिव थाट के साथ चलना है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है. फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योजना चलाया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना है. तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ाने में मदद की है. तो इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. उज्ज्वला योजना है, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना है. जनधन योजना के तहत वित्तीय समावेशन हुई, कितने लोगों के अकाउंट्स खुले, वित्तीय समावेशन हुई, आप आर्थिक रूप से समृद्ध हुए. और आर्थिक रूप से अगर आप समृद्ध हुए तो आप में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको जो है सो किसी बिजनेस में किसी में लगाओगे और उसके थ्रू आप जो है सो अर्थोपार्जन करोगे. तो आप हर एक चीज़ को इंटरलिंक करें रोजगार के संदर्भ में. रोजगार के संदर्भ में बस. तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी टच करने पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की संभावना रहेगी. अगला क्वेश्चन, अगला है, एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्म इनकम इन कंट्री. मतलब यहाँ पे है भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए और देश में उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए. इसमें तो आपको ध्यान में होगा उस समय एक चर्चा में चला था किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 10 पॉइंट को एजेंडा दिया गया था. वो अगर 10 पॉइंट में से 10 पॉइंट को लिख देते हैं तो आपका सफिशियंट आंसर हो जाता है, लेकिन अगर आपको पॉइंट मिसिंग करते हैं तो उसको आप मैनेज कर दें तो उसको आप लिख सकते हैं. क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इम्प्लाई किसका जो है क्या है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी यानी कहा जाता है ना आय दुगना करने के लिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नारा लगाया गया तो कोशिश किया गया तो उसी से संबंधित है. इसमें जो भारतीय कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की बात, क्रॉप इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, ये तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे भारत देश के लिए काफ़ी एक कटु सत्य है कि हम लोग के यहाँ
मोर देन 50% 60-62% जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे, लेकिन कृषि की स्थिति हमेशा से खराब रही है और जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं रहा जितना कि उसमें पॉपुलेशन है। एक से एक प्रोग्राम चले हैं, अब उसी के बारे में कह रहे हैं कि उत्पादकता सुधार लाने में के लाने और कृषि की आय बढ़ाने के उपाय सुधार उपाय बताइए, आपको खुद के उपाय बताने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कृषि के, आप उस समय आपको एट द स्पॉट सोचना होगा कि कृषि की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कृषि के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है। सिंपल एक एक टर्म को आप समझते चल जाइए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको जो है सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आज के डेट में सॉइल सबसे मेन इम्पोर्टेंट, जो सॉइल टेस्टिंग लैब है तो उसको डेवलप करना हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड को अधिक से अधिक प्रमोट करना होगा। बिल्कुल हाँ, तो ये जो था ना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था जो इनकम डबल करने के लिए, उसमें सारी लिखा हुआ था। सॉइल के बाद आता है सीड, हमारा सीड बिल्कुल क्वालिटी सीड, क्वालिटी सीड्स हो गया या ऑर्गेनिक सीड्स का इस्तेमाल करें। एग्रीकल्चर जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उस पर अधिक से अधिक बल दें, ये काफी ज्यादा। अभी तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी बनाया गया ना, इसका क्वेश्चन ही पूछा था शायद, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया था। तो इस तरह की चीजें हैं, आप मतलब वहाँ पे सोच, अगर एग्रीकल्चर का थ्रू आउट नॉलेज है तो इस तरह की चीजें आपको ऑटोमेटिक। अब जो एग्रीकल्चर के कॉम्पोनेंट है, सॉइल हो गया, सीड हो गया, एक इरिगेशन हो गया, इरिगेशन मशीन्स हो गया, हाँ फिर मैकेनाइजेशन मशीनीकरण, उसके अलावा देखें तो आपका हो गया क्रॉप इंश्योरेंस, अगर क्रॉप नष्ट होता है तो बिफोर और आफ्टर, यानी क्रॉप्स लगा हुआ कटने से पहले नष्ट हो गया उसके लिए भी इंश्योरेंस का प्रोग्राम है। ट्रांसपोर्टेशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, नेचुरल डिजास्टर कुछ आता है तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो उसी के आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, अभी का ट्रेंड बताना है प्रोडक्टिविटी का, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये आपको मेजर्स जो है उपाय आपको बताना है कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और इंक्रीज द फार्म इनकम इन द कंट्री। तो मैं जो जैसे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 10 पॉइंट उसमें आया था चर्चा में था, तो ये जरूरी नहीं कि उसी पॉइंट को लिखे, मैं उसको हेल्प की बात कर रहा हूँ, उसके हेल्प से आप अपना व्यू सोचें को जो प्रधानमंत्री ने बोला तो उसमें आप ऐड कर सकते कि प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया था इस तरह का स्कीम, इस तरह का किया गया है जिसके तहत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है क्या। हाँ, माइंड मैप अगर आप इसका बनाना चाहें तो तीन चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं, प्री हार्वेस्ट, बिल्कुल टाइम एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट, और ये जो मैंने इससे पहले सीड सॉइल मशीन हार्वेस्ट की बात, ये सारी चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कीजिए, सारे के सारे पॉइंट ऑटोमेटिक आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही की अवधि में पंचायती व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन भारत की आयोजन का केंद्र बिंदु रहा है, इस कथन को समझाते हुए समन्वित प्रादेशिक विकास नियोजन की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के परिदृश्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये जो है सो पंचायती राज व्यवस्था जो विकेंद्रीकृत नियोजन है, डिसेंट्रलाइज जो प्लानिंग है उसमें उसका जो एक प्रमुख स्तंभ है वो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरीय होते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई और जिला परिषद हो गया। तो विकेंद्रीकृत नियोजन जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में जो पंचायती राज व्यवस्था जो सशक्तिकरण, इन पंचायती राज व्यवस्था को के सशक्तिकरण के साथ ही जो हमारा जो डिसेंट्रलाइज नियोजन है वो सक्सेसफुल हो सकता है, इसके बारे में ये कहना चाह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रित नियोजन, हाँ यानी भारत की भारत का जो मेन प्लानिंग है बिल्कुल उससे किसी न किसी जो हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन भारत की आयोजन का केंद्र बिंदु रहा है, कैसे रहा है वो आपको साबित करना है, वो आपको इसके लिए आपको पॉइंट लिख देना है। साथ ही साथ इसमें जो समन्वित प्रादेशिक विकास नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए ये बोल रहा है, यानी समन्वित यानी जो इसमें आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसके बारे में भी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट प्लानिंग और जो सेंट्रल प्लानिंग है, तीनों प्लानिंग के बारे में आप इसको लिखेंगे डायग्राम के साथ। हाँ, डायग्राम के साथ अगर लिखें ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर लिखा है प्रादेशिक विकास नियोजन, यानी यहाँ पर जो दिया जाता है प्रादेशिक मतलब रूरल विकास का देखा जाए तो, या फिर रीजनल की बात किया जाए तो वहाँ पे डेवलपमेंट का रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए कैसे, ये कहा जाए तो आप अपने से भी सोच सकते हैं कैसे ये रूपरेखा है, यहाँ पे उसको रूपरेखा तैयार करना, तो कैसे आप करेंगे तो आप सोच सकते हैं कैसे प्लानिंग हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। हाँ, साथ ही साथ ये संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद, यानी जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जो ग्राम पंचायत की अवधारणा को विकसित किया गया और 74वां म्युनिसिपैलिटी के बारे में,
तो उसके संशोधन के बाद भारत में जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का क्या परिदृश्य रहा है इसके बारे में ये बता रहा है कि भाई ये इसके पॉजिटिव बताइए, कहाँ तक ये सफल रही और कहाँ तक ये असफल, यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको बता देना है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के बारे में बता देना है, जिला परिषद के बारे में बताना है और थोड़ा सा आलोचना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साथ में लेके चलेंगे। मतलब प्लानिंग से कुछ सक्सेस हुआ लेकिन कुछ करप्शन आए, तो कुछ ठीक से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये सब कहा जाए तो क्रिटिकल आप एनालिसिस आप सोच सकते हैं, कुछ अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है, तो इस तरह से आप इसको है ना। देखिए मैं पहली बात बता दूं कि मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं कि आपको इसके थ्रू रास्ता बता रहा हूं, डायरेक्शन डायरेक्शन बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इसका कोई सॉल्यूशन इसको नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां में देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड सब्सिडी, मेड गुड सब्सिडी एंड नॉन मेड गुड सब्सिडी इन इंडिया, तो तीनों सब्सिडी को आपको बताना है। पहले समझना होगा पब्लिक गुड्स क्या है, मेड गुड्स क्या है और जो नॉन मेड गुड्स क्या है। उसके बाद ये बताना है कि रिसेंट ट्रेंड अभी जो चल रहा है किस तरह का चल रहा है, फूड्स फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम, ये सब्सिडी को लेकर अभी भारत में प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन सारी प्रॉब्लम का जो रिसेंट ट्रेंड है उसके बारे में आपको बताना है, फूड फर्टिलाइजर और सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। हाँ, पेट्रोलियम सब्सिडी। इसमें जो है सो आप मेरिट गुड्स क्या होते हैं, नॉन मेरिट गुड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जाने। जो मेरिट गुड्स है वो पब्लिक और प्राइवेट के जरिए जो है सो सब्सिडी दिया जाता है वो हो गया, और जो नॉन मेरिट गुड्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और सब्सिडी के बारे में आपको समझना होगा, सब्सिडी वो सब्सिडी वैसे जो अनुदान, सब्सिडी का अर्थ ही हो गया आपका अनुदान, जो मार्केट जो प्राइस है मार्केट रेट है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ताकि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से जो विपन्न लोग हैं, उनको जो है सो जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो कम से कम दाम में मिल सके। मतलब ऐसा है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो सरकार चाहती है कि वो प्रोडक्ट गरीब आदमी तक भी पहुँचे, तो गरीब आदमी जो मार्केट प्राइस पर ख़रीदना उसके लिए बस की बात नहीं, उसके बस की बात नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, उसको अनुदान देती है कि थोड़ा मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, अभी तो सब्सिडी के रूप में डीबीटी चल रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो सब्सिडी देकर चाहता है कि वो भी, यानी जो समाज का जो निचला तबका है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। हाँ, इसमें जो उर्वरक खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी के बारे में आपको बताना है, फूड सब्सिडी अभी मिल रही है, फूड सब्सिडी के तहत फूड सिक्योरिटी एक्ट देखा जाए, सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके कारण बोला गया कि फूड जो है सबकी जरूरी, हमारा राइट है। हाँ, यानी राइट टू फूड की बात किया गया इसमें, राइट टू फूड हमारा अधिकार है। हाँ, साथ ही साथ अंत्योदय योजना भी चलाई गई सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ जो खाद सब्सिडी हो गया ये इसी में, फर्टिलाइजर्स को लेकर जो किसानों को दिया जाता है खाद सब्सिडी उसके बारे में बात किया जा रहा है, और फिर पेट्रोलियम सब्सिडी, बिल्कुल पेट्रोलियम सब्सिडी। पेट्रोलियम सब्सिडी तो खैर हमेशा से ही काफ़ी डिस्प्यूटेड चीज़ रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, तो हमेशा ही प्रॉब्लम। और पेट्रोलियम ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो मार्केट पे, मार्केट पे डिसाइड कर दिया कि भाई पेट्रोलियम की कंपनियां हैं वो जो है सो इसको डिसाइड करेंगी। हालांकि सब्सिडी जो है सो जब पेट्रोलियम की जो कंपनियां पीएसयूज की बात करें तो सरकार के भी कंट्रोल में रहती है, तो वहां पे सरकार का भी एक हक बनता है, सरकार का भी एक राइट बनता है कि अपना कुछ डिसीजन दें सब्सिडी के माध्यम, सब्सिडी के बारे में कंपनियों पे कुछ अपना जो है सो निर्णय वो दे सकती है। तो इन ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब सब्सिडी के बारे में आपको अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, हमेशा जो पेट्रोलियम के प्राइसेस देखते हैं कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है सो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है और वो अपने डिसीजन को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को वो अपना डिसीजन बताती है और उसके अकॉर्डिंग जो है सो हमारी रेट जो है सो फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे आती है। तो ये थोड़ा सा एक आपको इसमें जो है एक करंट के हिसाब से आपको अपना व्यू देखिए, अगर इसके बारे में अगर आपको चाहिए पूरा डिटेल में चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आंसर है, तो आस्था का जो आर कुमार का सर का जो नोट्स है उसमें बहुत अच्छा से इस चीज़ को डिफाइन किया गया। बिल्कुल, मैं उसको देखा हूँ, बहुत अच्छा से डिफाइन किया गया, तो अगर आप वहाँ से अगर इसका आंसर चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में आर कुमार का नोट्स आस्था का। आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 3 जो क्या आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो पहला क्वेश्चन है वो है पॉल्यूशन से संबंधित है। पॉल्यूशन हैज बिकम सीरियस थ्रेट फॉर इंडिया, ठीक है, ये सीरियस थ्रेट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल आधार पर भी है, ग्लोबली ये थ्रेट है। आइडेंटिफाई काउजेज, एकदम क्वेश्चन जो है एकदम स्टेप बाय स्टेप बता, आइडेंटिफाई काउजेज, आपको इसमें कारण को बताना है क्यों पॉल्यूशन हो रहा है। इंडिकेट विच मैंडेटरी स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट शुड बी वॉलेंटरली डन बाय द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए पॉल्यूशन कम करने के लिए, और वॉलेंटरली मतलब आम पब्लिक का इसमें किस प्रकार का भागीदारी होनी चाहिए।
तो क्वेश्चन बिल्कुल अप्लाइड है, मतलब आप सोच सकते हैं कि इसमें कैसे आम पब्लिक की भागीदारी कैसे है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। इसको अगर हिंदी में आप देखें तो हाँ, इसमें जो अगर इसके हिंदी वर्जन को जाएं हम लोग, तो इसमें कहा गया कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भारत के लिए गंभीर खतरा बन गया है आज के डेट में, और इसके कारणों की पहचान कीजिए, साथ ही साथ ये इंगित कीजिए कि शासन के द्वारा जो प्रशासन है हमारा उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और जनता के द्वारा क्या क्या स्वैच्छिक कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण के बारे में गंभीर खतरा, ये तो सारे लोगों को पता है, और शासन के द्वारा क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जो गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो आप बताएं। बिल्कुल, आप बताएं भाई गवर्नमेंट को पॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो जो कचरे वचरे हैं, सीवेज हो गया, ये सारी चीज़ों को सही करने होंगे, पराली प्रथा को ख़त्म करना होगा, जो किसान हैं वो अपने जो वेस्ट हैं उसको खेतों में जला देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन है इसको कड़ाई से लागू किया जाए, तो ये सारी चीज़ों में प्रशासन को अपनी जो कहते हैं ना मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, और साथ में इसमें जन भागीदारी की भी बात किया जा रहा है वॉलंटियरली, और जनता क्या करेगी, जनता क्या करेंगे, यानी सब कुछ है काम नहीं। स्वच्छ भारत का इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सब सरकार सब कुछ करे, बिल्कुल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारे पास साफ है तो साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप, ये भी है, आप वॉलंटियरली इसमें कह सकते हैं कि जनता जो है स्वच्छता तो हर जगह अपना क्या कहते हैं जो स्वच्छता अपनाएं अपने आसपास के, मतलब इसको कहें तो अवेयरनेस फैलाएं, जन जागरूकता फैलाएं, लोगों को शिक्षित करें, बिल्कुल लोगों को बताएं क्या प्रॉब्लम से हानि होता है, क्या पॉल्यूशन से हानि होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर बोला गया था कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, शौचालय के निर्माण में जो शौचालय निर्माण नहीं होने की वजह से बहुत सारी गंभीर समस्या हो रही है। तीन सारी चीज़ों का अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये नॉर्मल सिंपल सवाल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला सवाल है, ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट्स एंड भय की विवेचना करें, यानी फैक्ट्स एंड फियर्स। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर मेरी नज़र में मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, हाँ, कि पहले तो आपको समझना होगा ऊर्जा है क्या, ऊर्जा का क्यों जरूरत है। तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश राज्य को डेवलपमेंट में उसका पैरामीटर है नापने का ऊर्जा, ऊर्जा कंजम्पशन यानी पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा मतलब उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होगा तभी तो उसका ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है बहुत ही एसेंशियल चीज़ है किसी भी स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए और कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए। तो बात हो गया यहाँ पे ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, मतलब ऊर्जा की जरूरतों, तो जरूरत आपको बता देना क्यों जरूरत है। उसके बाद है कि सूड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए, तो इस पर आपको राय देना, हाँ बढ़ावा देना चाहिए, ना क्यों नहीं बढ़ावा देना चाहिए। अगर जिस पक्ष में आप जाते हैं उसका आप लॉजिक दें, प्रॉपर कारण दें। लास्ट में देखें तो लिखा हुआ डिस्कस द फैक्ट्स, अब यहाँ पे बताना है आपको कि न्यूक्लियर एनर्जी से फ़ायदे क्या है, मतलब फैक्ट्स क्या है, हकीकत है क्या, और लोगों में उसके बारे में गलत फहमी क्या है, डर क्या है। फैक्ट्स मतलब लोग जाने कि इस प्रकार इतना एनर्जी देता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया है, अभी हमारे पास लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो इस प्रकार अभी उस 10 और न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किया गया था लगाने का, जो कि चाहते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी से जो हमारा जो प्राप्त होता है वो डबल किया जाए, इस प्रकार सरकार का प्रयास था। लेकिन सरकार जो है इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इसका सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है जो फियर है लोगों के प्रति, लोगों में जो डर है, तो क्या डर की वजह से न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, तो ये बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका नहीं सकता है, बल्कि उसके लिए सावधानियाँ अपनाया जा सकता है। आप प्रॉपर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे जगह पर बनाए जहाँ पर साइक्लोन नहीं आता हो, अर्थक्वेक कम हो, अर्थक्वेक की संभावना बहुत कम हो, वहाँ आसपास कोई डैम नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा उसका हाई सिक्योरिटी हो, कहीं लीकेज नहीं होती, ये सारी चीज़ पर अगर ध्यान देते हैं तो किया सकता है। कुछ घटनाएं के आधार पर लोगों में थोड़ा डर हो गया, जैसे चेर्नोबाइल हो गया या फिर जो फुकुशिमा का रिएक्टर हुआ था, तो इससे थोड़ा डर है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन भी है अगर हम लोग उसको कहें तो केयरफुली आगे बढ़ सकते। तो ये कुल मिला के घाल मिल करके आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख सकते, क्योंकि हम लोग एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है सो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और माइलस्टोन साबित हो सकती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी इससे ये 60 से 62 का सवाल है, इससे पहले जो 53वीं का एग्जाम हुआ था उसमें भी न्यूक्लियर से फुकुशिमा से पूछा था ना, फुकुशिमा से पूछा था। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है सो थोड़ा सा बीपीएससी का मेरे ख्याल से कुछ फेवरेट सा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इस पर आप अपना जो है सो एक डेप्थ स्टडी करके अपना देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं,
how do you see achievement of Indian Space Research Organization? What are their next exciting targets? काफी interesting question है. रोमांचक लक्ष्य. रोमांचक लक्ष्य. अमित स्टेज का बहुत अच्छा से बताएंगे क्योंकि रोमांचक लक्ष्य को बहुत अच्छा से समझते हैं. देखिए सबसे पहले तो इसरो के बारे में कहा जाए तो आज के दिन ही यानी 15 अगस्त 1969 में इसरो का निर्माण हुआ था. और इसरो का जैसे ही निर्माण हुआ उसके वजह से इसने अपने अपने अचीवमेंट को छोड़ा. इसके अचीवमेंट के बारे में आपको दिखाना है. पहला ये जो साउंडिंग रॉकेट कहा जाए नाई कापचे, ये सबसे पहले अमेरिका के सहयोग से ये इसरो ने प्रक्षेपित किया था. उसके बाद से समय दर समय एक से एक जो है इन्होंने अपना क्या कहते हैं तरह तरह के जो प्रक्षेपण. उसके बाद में देखा जाए तो व्हीकल्स बनाना शुरू किया. हाँ। जिसे SLV-3 शुरुआत का जो SLV-3 जिसमें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था. यानी अगर देखा जाए तो मिसाइल मैन से पहले वो इसरो में बहुत अच्छा उनका रहा था. अब SLV-3 का इन्वेंशन या फिर जो व्हीकल बनाने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. उसके बाद फिर GSLV आया. कौन पहले PSLV आया फिर GSLV आया. इस तरह से लॉन्च तो इसमें सबसे पहले तो इसके उपलब्धि के बारे में बताएंगे कि भाई शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करेंगे. PSLV के बारे में बताएंगे, GSLV के बारे में बताएंगे. फिर उसके बाद से इनसेट आया. इनसेट के बाद से IRS आया, इंडियन रिमोट सेंसिंग आया. ये सारी चीज़ें तो हो गई कि जो मौसम के बारे में जानकारी देती हो. इसके बाद से जो रोमांचक लक्ष्य की बात उपलब्धि की बात अगर करी जाए तो यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात की जाए. फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात मतलब अगले रोमांचक लक्ष्य. लेकिन उपलब्धि में मैं कहना चाह रहा हूँ उपलब्धि एक IRNSS हो गया आपका, जो ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट गगन हो गया. इसके अलावा जो अगले रोमांचक लक्ष्य की बात करी जाए तो ये मिशन चंद्रयान. हाँ, मिशन मार्स, मिशन मूस, मिशन मून. मार्स तो ऑलरेडी जो है सो इंडिया ये मतलब कर चुका है. जो मून मिशन है वो 3 चरणों में होने वाली है, जिसमें पहला चरण तो हो चुका है. पहला चरण हो चुका है. दूसरा चरण जो था इसको 2019 को जनवरी में भेजना था, लेकिन उसको वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. तो अब 2019 को अक्टूबर में भेजा जाएगा. हाँ। ये थर्ड टाइम है जो चंद्रयान 2 मिशन को रोका गया है. हाँ। किसी वजह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है. हाँ। तो उसकी वजह से अब जो है अक्टूबर 2019 में शायद इसको भेजा जाएगा चंद्रयान 2 मिशन को. मिशन ये हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है. चंद्रयान मिशन या मिशन जो मून कह लें वो 3 स्टेजेस में जो पहला स्टेज है. पहले स्टेज में जो है चंद्रमा की सतह से दूर रह के चंद्रमा का अध्ययन करना था. जो दूसरा जो उसका मिशन था उसमें था कि चंद्रमा की सतह पे रोबोट्स को भेजकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना. और जो तीसरा जो एक्सट्रीम जो कह लीजिए रोमांच का जो कहते हैं एक्सट्रीम है, वो था कि उसमें चंद्रमा के सतह पे ह्यूमन को भेज के वहाँ का जो है सो परीक्षण करना और वहाँ पे जो भी है वहाँ पे संभावनाएं देखना कि भाई यहाँ पे के रहने की संभावनाएं हैं, यहाँ पे मिनरल्स की संभावनाएं हैं या जो भी है सारी रिसर्च करना. तो इस तरह से इसरो की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो जो चीज़ इन्होंने अभी तक बनाई है इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा भी पता है तो सबके बारे में उपलब्धि में आप दर्शा सकते हैं. मिशन मार्स, मिशन मून्स को आप दे सकते हैं और कुछ और नई चीज़ें अगर पता हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं जो NS नॉलेज पॉइंट का जो वीडियो है उसमें मैं बहुत कुछ डाला हूँ. और बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं इसी से संबंधित जो है वीडियो में डाल चुका हूँ NS नॉलेज पॉइंट पे. तो और भी इससे संबंधित यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगभग कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको NS नॉलेज पॉइंट पे. आगे भी इस पे काम जारी है. अगला देखें 12वां है उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एसिस्टेंस योजना. यह क्वेश्चन कह रहा है कि उदय क्या है, कौन से राज्य इस योजना के भागीदार हैं, बिहार किस तरह से उदय योजना से लाभान्वित होगा. सबसे पहले तो इसमें ये बता दें कि उदय योजना जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सरकारी हैं. डिस्कॉम का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. हाँ, वो जो घाटे में चल रही है उसको फिनांस करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी. और इसमें अभी काफ़ी राज्य इस योजना के भागीदार है जिसमें कि बिहार भी एक है. बिहार का 2 सेगमेंट हो गया, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार करके किया गया है. ये हो गया बिहार हो गया, आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया. तो ये अगर लिस्ट आपको पता है तो आप इसमें इस योजना के कौन कौन से भागीदार हैं राज्य हैं लगभग कहा जाए तो. और बिहार किस तरह से उदय योजना से लाभान्वित होगा. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो बिहार की जो होल्डिंग कंपनीज है वो लॉस में जाती है. और लॉस में जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रांसमिशन जो लॉस होता है उसकी भरपाई जो है सो होल्डिंग कंपनीज नहीं कर पाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चा होता है उसमें जो करप्शन होते हैं बहुत तरह की चीज़ें होती है उसको होल्डिंग कंपनी जो है सो बेयर नहीं कर पाती. इस कारण से कंपनियां घाटे में चली जाती है. तो ये जो उदय स्कीम है
ये इन सारी चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए, साथ ही साथ फाइनेंस के अलावे ये और सब्सिडरी असिस्टेंस भी देती है होल्डिंग कंपनीज को। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप किस तरह से लाभ, एक बार आप उदय जो योजना है इसके बारे में आप उदय के बारे में देखा जाए तो आपको पीआईबी में एक अच्छा से मिल जाएगा। इसके लेकर जो है ना पीआईबी में आर्टिकल बहुत अच्छा से मिल जाएगा। उदय का योजना जो था इसका मेन मकसद था कि मतलब ऊर्जा का जो कंपनी जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन लोग का नुकसान हो रहा था, तो उन लोग का नुकसान होगा तो स्वाभाविक है ऊर्जा महंगा पड़ जाएगा। तो ऊर्जा को सस्ता बनाने के लिए इस सरकार का प्रयास है कि ऊर्जा जो है उसको सस्ता बनाया जाए। तो उसी के लिए जो है बिहार किस तरह से उदय योजना से लाभान्वित होगा, तो उदय का जो जो फायदे हैं वो बिहार के लिए भी लागू होंगे। तो स्वाभाविक उदय के आपको फायदा जानने का गिना देना है, उसको बिहार के पर्सपेक्टिव में जोड़ देना है कि बिहार में ऐसे ऐसे फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे टॉपिक कह लें जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये चार चीज़ें हैं। चार चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में आप अपने सिलेबस को स्टडी करें। इसमें से एक जैसे अभी इस बार स्पेस टेक्नोलॉजी से, और एक पोल्यूशन और इन्वायरमेंट। पोल्यूशन ये आपका ऐसे ही देखा जाए तो ज्योग्राफी का भी पार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन जो साइंस टेक में, जिससे पिछले बार शायद पूछा था, 60-62 से पहले एक क्वेश्चन पूछा था, 56-59 में क्वेश्चन पूछा था ना गंगा की सफाई, ऐसे कुछ था। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। हाँ, कि गंगा की सफाई के लिए आप कौन से ऐसे वैज्ञानिक उपाय, तकनीकी उपाय आप जो है सुझाव दोगे कि गंगा की सफाई हो। तो मतलब इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी को क्या जानना चाहिए, यानी जो शिक्षित व्यक्ति क्या जान सकता है, उसके बारे में ही संबंधित होता है क्वेश्चन। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, इस तरह से तो हमारा ये सारा इस तरह से देखें तो हम लोग जीएस पेपर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।